क्या आप इस बात पर विश्वास करते हैं कि कोई व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ सोचकर अमीर बन सकता है? अब यहां पर दो बातें हो सकती हैं। पहला, आप इस वीडियो पर इसलिए आए हैं क्योंकि आप इस बात पर विश्वास करते हैं कि हाँ, कोई व्यक्ति सिर्फ सोचकर अमीर बन सकता है। लेकिन दूसरा, आप इस वीडियो पर शायद इसलिए आए हैं क्योंकि आप देखना चाहते हैं कि ऐसे कैसे कोई व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ सोचकर अमीर बन सकता है, मैं भी तो देखूं। शायद इसलिए आप इस वीडियो को देखने के लिए आए हैं। तो सबसे पहले इस बात को समझ लीजिए कि सोचे और अमीर बनिए का असली मतलब क्या है। सोचिए और अमीर बनने का ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि आप किसी एक जगह पर बैठे हैं और वहीं पर सोचते जा रहे हैं और आपके पास बहुत सारा पैसा आ जाएगा, आप अमीर बन जाएंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। असली में सोचिए और अमीर बनने का मतलब होता है कि आपकी आज जिस प्रकार की भी सोच है, आप जो भी सोचते हैं, जो भी करते हैं, उससे आपकी सोच को बदलना। क्योंकि जब आप उस सोच को बदलेंगे, सही दिशा में लेकर जाएंगे, सही तरीके से सोचेंगे, तो जरूर आप अमीर भी बन पाएंगे और सफल भी बन पाएंगे। तो ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो आपको सोचना चाहिए, अपनी सोच में बदलाव लाना चाहिए, आज हम इसी बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहले इस बात को समझ लीजिए कि आज आप जहां पर भी है, जिस भी कंडीशन में है, वो आप अपनी सोच के कारण है, जिस भी प्रकार के आपके विचार हैं उसके कारण है। यदि लाइफ में आपको अमीर बनना है, आगे बढ़ना है, बहुत सारा पैसा कमाना है, तो सबसे पहले आपको उस विचार को बदलना होगा। किस प्रकार के विचार आपको अपनाने होंगे, उस बात को समझिए। सबसे पहले आप याद रखिएगा कि विचार ही वस्तु है। आपको इस बात के बारे में पता होना चाहिए कि जो भी चीजें आप सोचते हैं, वही आपके लाइफ में धीरे धीरे करके रियलिटी बनती है। यदि किसी व्यक्ति ने सोचा होगा कि मुझे एक बल्ब बनाना है, तो पहले वो सिर्फ एक विचार होगा, लेकिन धीरे धीरे करके उस व्यक्ति ने उस चीज को सही साबित कर दिया, बना दिया, और वो विचार ही एक दिन वस्तु बन गई। इस पृथ्वी पर जितनी भी चीजें होती है, वो पहले एक विचार ही होती है, एक थॉट ही होती है, और वो थॉट ही बाद में जाके रियलिटी बनता है। तो सबसे पहले आपको इस बात पर विश्वास करना होगा कि जितने भी आपके विचार हैं, वो सिर्फ विचार नहीं है, वो विचार एक्चुअल में वस्तु है जो आपको प्राप्त होने वाली है बाद में। चाहे आप अमीर बनना चाहते हो, चाहे आप सफल होना चाहते हो, चाहे आप समाज के लिए कुछ अच्छा काम करना चाहते हो, हर विचार आपके दिमाग में पहले आता है और वो वस्तु है जो बाद में आपको मिलता है। अब जितने बड़े आपके विचार होंगे, जितने अच्छे आपके विचार होंगे, उतने ज्यादा आप सफल होंगे। लेकिन जितने बुरे आपके विचार होंगे, जितने नॉर्मल आपके विचार होंगे, तो हो सकता है कि आप जहां पर है वहीं रहे या फिर उससे भी नीचे चले जाए। तो सबसे पहले आपको इस बात को याद रखना है कि आपके विचार ही आपकी वस्तु है जो आपको लाइफ में मिलने वाली है। तो सबसे पहले अपने विचारों को ठीक कीजिए। अब दूसरी चीज याद रखिएगा कि विचार करना पहली स्टेप है। उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि जिस चीज के बारे में आप विचार कर रहे हैं, उसको पाने की आपकी इच्छा भी होना चाहिए, और इच्छा ऐसी होना चाहिए, इतनी तीव्र होना चाहिए कि उसके लिए आप काम कर सके, उसको पाने के लिए आप दिन रात एक कर सके, उसको पाने के लिए ना आपको भूख लगे, ना प्यास लगे, ना नींद आए, ना चैन आए, आप अपना सब कुछ लगा दे, सब कुछ झोंक दे उस विचार को प्राप्त करने में। इसका मतलब आपके अंदर एक तीव्र इच्छा होना चाहिए उस चीज को पाने की। अब कई लोग ऐसा होता है कि बैठे बैठे विचार तो बना लेते हैं, सोच तो लेते हैं कि मुझे ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, विचार तो बहुत अच्छे बना लेते हैं, लेकिन उस चीज को पाने की उनकी इच्छा नहीं होती है, तीव्र इच्छा नहीं होती है, इसलिए वो चीज उन्हें जीवन में कभी प्राप्त नहीं होती है। आपने एक डायलॉग जरूर सुना होगा कि यदि किसी चीज को आप शिद्दत से चाहो, तो पूरी कायनात आपको उसे मिलाने में जुट जाती है। क्या है इस विचार का मतलब? इस विचार का मतलब यही है कि आपकी एक तीव्र इच्छा होना चाहिए, जिस इच्छा से आप उस चीज को बहुत ही आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। तो सबसे पहले एक मजबूत विचार होना चाहिए, एक अच्छा विचार होना चाहिए, और उस चीज को पाने की तीव्र इच्छा होना चाहिए। अब एक अच्छे विचार होने के बाद उस विचार को पाने की आपकी इच्छा भी हो गई, लेकिन सोच कर देखिए कि यदि आपकी उस पर आस्था ही ना हो, आपका उस बात पर विश्वास ही ना हो, आप खुद ही उस बात पर ट्रस्ट ना कर पाए, तो क्या कभी वो चीज आपको प्राप्त हो सकती है? आपने कई लोगों को बोलते हुए सुना होगा कि मुझे कलेक्टर बनना है, मुझे पायलट बनना है, मुझे इंजीनियर बनना है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, लेकिन जब वाकई में आप उनसे पूछते हैं कि क्या ये आपको मिल पाएगा, इसमें आप श्योर हैं या फिर नहीं है, तो उनके मन में कहीं ना कहीं एक डाउट आ जाता है। जैसे मैं अभी आप लोगों से पूछूं कि अभी मैं कहूं कि आप अगले 6 महीने में या साल भर में कलेक्टर बनने वाले हैं या कलेक्टर बन सकते हैं, तो क्या आप इस बात पर विश्वास करेंगे, मेरे इस विचार पर विश्वास करेंगे? आप कहेंगे कि कैसे मजाक वाली बातें कर रहे हैं, हमें इस बात पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं है, क्योंकि पहला तो हमारा ऐसा विचार नहीं है, और विचार है भी तो हमारी ऐसी इच्छा नहीं है, यदि इच्छा भी है तो हमारा उस पर विश्वास नहीं है, आस्था नहीं है, फेथ नहीं है, बिलीव नहीं है, क्योंकि हमें पता है हम ऐसा नहीं कर सकते।
आप खुद ही अपने आप पर डाउट कर लेते हैं और वही सेल्फ डाउट आपको कभी भी आगे नहीं बढ़ने देता है। तो ध्यान रखिए, आपको अपने ऊपर पूरा विश्वास होना चाहिए, आपकी खुद पर और अपने विचार पर पूरी आस्था होना चाहिए कि जो भी चीज मैं पाना चाहता हूं उसको पा सकता हूं। जब किसी व्यक्ति के पास अच्छा विचार आ जाता है, उसकी इच्छा करने लगती है उस चीज को पाने की, उसका उस चीज पर विश्वास हो जाता है। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है सेल्फ सजेशन या फिर ऑटो सजेशन, आत्म सुझाव। आपको अपने आप को तरकीब बताना होगा, अपने आप को कहना होगा, अपने आप को याद दिलाना होगा कि उस चीज को पाने के लिए आपको कौन कौन सी चीजें करनी है, आपको कौन कौन से स्टेप्स अपनाना है। आपको बार बार अपने आप को ऑटो सजेस्ट करना पड़ेगा, आपको कहना पड़ेगा कि आप इस चीज को किस प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं, इसके लिए आपको कौन कौन से रास्ते अपनाना होंगे। जब तक आप अपने आप को ऑटो सजेशन की प्रक्रिया में नहीं लाएंगे, आप अपने एम को, अपने लक्ष्य को, अपने विचार को बार बार भूल जाएंगे। आपको हर दिन सुबह उठकर अपने आप को याद दिलाना होगा, हर दिन सोते वक्त अपने आप को याद दिलाना होगा कि ये आपका लक्ष्य है और इतनी दूर तक आप आ गए हैं और इसके आगे भी आपको जाना है और उसे प्राप्त करके दिखाना है। ये चारों चीजें भी काम में नहीं आएगी यदि किसी व्यक्ति के पास एक चीज नहीं होगी और वो चीज है स्पेशलाइज्ड नॉलेज। जी हाँ, स्पेशल नॉलेज उस विचार के बारे में। अब मान लीजिए कि किसी व्यक्ति को एक बहुत बड़ी कंपनी खोलने का विचार आया, विचार बहुत अच्छा है, लेकिन उस व्यक्ति के पास उस चीज के बारे में स्पेशलाइज नॉलेज ही नहीं है। आप सोचकर देखिए कि विचार चाहे कितना भी अच्छा हो, उस व्यक्ति की इच्छा भी बहुत अच्छी है, उस व्यक्ति को खुद के ऊपर विश्वास भी है और वो व्यक्ति अपने आप को ऑटो सजेशन भी दे रहा है, लेकिन उस व्यक्ति के पास उस चीज के बारे में अच्छा नॉलेज ही नहीं है कि इस चीज को बनाते कैसे हैं, इस चीज को आगे कैसे बढ़ाते हैं। तो क्या वो व्यक्ति उस चीज में आगे बढ़ पाएगा? बिल्कुल भी नहीं बढ़ पाएगा। तो इन चारों चीजों के बाद आता है आपका विशेष ज्ञान, जो कि उस चीज के बारे में आपको जरूर होना चाहिए। इसके बाद सोचने में आपको बदलाव करना होगा अपनी प्लानिंग्स के साथ। देखिए, जब भी कोई व्यक्ति आगे बढ़ता है, जब भी कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा सफल होता है, तो क्या आपको पता है कि उसे पहले से ही पता होता है कि मेरे साथ क्या क्या होने वाला है? क्यों पता होता है? क्योंकि उसके पास इतनी अच्छी प्लानिंग होती है। कई बार उसकी प्लानिंग हो सकता है कि असफल हो जाए, लेकिन बहुत बार उसकी प्लानिंग सफल होती है। यदि उसने तय किया है कि मेरा अगला दिन सुबह से लेकर शाम तक ये होने वाला है, तो क्या आप ये नहीं कह सकते कि उसे पहले से पता था कि उसके दिन में क्या क्या होने वाला है? वो व्यक्ति पहले से जानता है कि उसके दिन के साथ वो क्या करने वाला है। तो इसी प्रकार से आपको भी अच्छी प्लानिंग बनाना होगा अपने उस विचार के बारे में जिससे आप पैसा कमाना चाहते हैं। आपकी अच्छी प्लानिंग ही आपको बहुत ज्यादा आगे ले जाएगी। कई लोग करते ये है कि बहुत सारी चीजें अपने सामने रख लेते हैं, फिर उनके पास प्रॉपर टाइम नहीं होता है, प्लानिंग फेल हो जाती है, अनअचीवेबल टारगेट बना लेते हैं जो कि कभी अचीव ही नहीं होते हैं, कम समय में बहुत ज्यादा काम ले लेते हैं, और सही प्लानिंग की कमी के कारण वो कभी भी सफल नहीं हो पाते, वो कभी भी पैसे नहीं कमा पाते, वो कभी भी एक सही विचार नहीं बना पाते हैं। तो ये गलती आप सभी को बिल्कुल भी नहीं करना है। जब भी किसी विचार को आप आगे लेके जाना चाहते हैं, तो उसे सही प्लानिंग के साथ आगे लेके जाइए। अपने आप से पूछिए कि आप कितने समय में कौन सा टास्क कैसे कर सकते हैं, इसके आगे आपको कौन सा टास्क करना है। आप सही प्लानिंग के साथ ही मैदान में उतरिए, क्योंकि तब आप बहुत ही कम समय में अच्छा रिजल्ट प्राप्त कर पाएंगे। और आखिरी चीज जो आपको हमेशा ध्यान देना है, वो है निर्णय लेना, मतलब डिसीजन मेकिंग। कई बार होता यह है कि हम सब कुछ कर लेते हैं, सारी प्लानिंग हो गई है, पेपर पे सब कुछ लिखा हुआ है, हमारा निर्णय भी बहुत अच्छा है, हम सेल्फ कॉन्फिडेंट भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन हम फाइनल डिसीजन ही नहीं ले पाते हैं, फाइनल निर्णय ही नहीं ले पाते हैं कि हमें इस चीज के ऊपर एक्शन लेना है। और एक्शन लेने की कमजोरी के कारण ही कई लोग अपने जीवन में फेलियर हो जाते हैं और वो जगह जगह पर जाकर कहते हैं कि ये वाला प्लान तो मेरे दिमाग में भी आया था, लेकिन उस व्यक्ति ने कर लिया, मैं नहीं कर पाया। क्यों नहीं कर पाया? क्योंकि सारी चीजें होने के बावजूद भी उसने निर्णय लेने की कमी रखी अपने जीवन में। तो यदि आप भी अपने जीवन में निर्णय लेने की कमी रखते हैं, तो आज से, अभी से, इसी वक्त से इस वीडियो को फिर से पूरी एक बार देखिए, कौन कौन सी चीजें हैं जो आपको अपनी लाइफ में बदलना है, और लास्ट में आप निर्णय लीजिए और उसके ऊपर एक्शन लीजिए। क्योंकि हर वो व्यक्ति जो जीवन में सफल होता है, वो सिर्फ प्लानिंग नहीं करता है, उसके ऊपर एक्शन लेता है, सही डिसीजन लेकर एक्शन लेता है, तब वो जाकर आगे बढ़ता है। उसके बाद फेलियर आएगी या सक्सेस, वो उसे भी नहीं पता होता है, लेकिन जो भी होता है वो उसका स्वागत करता है, उससे सीखता है और अपने जीवन में आगे बढ़ता है। तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि यदि आपने इन विचारों को अपने जीवन में अपनाया, तो क्या आप वाकई में अमीर बन पाएंगे या फिर नहीं, और इनमें से कौन कौन सी चीजें आपके जीवन में अभी है और कौन कौन सी चीजें नहीं है, वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।